नमस्कार। हिंद मॉडल स्कूल की डिजिटल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण है उसका जो पहला चैप्टर है, जो इसमें टॉपिक क्या है, भाषा, लिपि और व्याकरण है, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है भाषा? कि भाषा क्या होती है? मन के भावों व विचारों को प्रकट करने का जो साधन है तो क्या है? भाषा है। या ये कह सकते हैं, जैसे हमें पीछे से यानी जो पहले जो क्लास है, छोटी कक्षाएं हैं, उनमें हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा जो दूसरे हैं उनके विचार स्वयं समझते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो भाषा है उसके कितने रूप हैं ये देखते हैं हम। भाषा है उसके दो रूप है, एक है मौखिक, एक है लिखित। मौखिक भाषा क्या होता है ये देखते हैं हम पहले। कि जब हम अपने मन के भाव या विचार हैं उनको क्या करते हैं? बोलकर प्रकट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे हम दुकानदार है उसके पास सामान लेने जाते हैं और आपके जो मम्मी पापा है ये कहते हैं कि जाओ और दुकानदार के पास से ये सामान ले आओ, तो वो बोलकर आपको बताते हैं और हम बोलकर ही उनको बताते हैं कि हमें ये सामान है ये चाहिए, तो वो क्या हो गया? मौखिक रूप हो गया। आगे जैसे दे रखा है लिखित। जब हम अपने जो मन के जो भाव जो विचार हैं उनको लिखकर क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। जैसे हम ये दुकानदार है उससे सामान लेके आते हैं, उसी का उदाहरण ले लो। जैसे घर वाले हैं उस पर एक स्लिप है, कोई पर्ची है, उस पर सामान वो लिख के दे देते हैं कि ये सामान लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ। तो जो पर्ची है हम वो दुकानदार के पास है उसको देते हैं, दुकानदार को देते हैं, तो उसको वो पढ़ता है, ठीक है, तो इसमें जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया? भाषा है, उसका लिखित रूप हो गया। आगे है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? जिस भाषा को हम अपने परिवार से सीखते हैं, किससे सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी मातृभाषा कहलाती है। आया सुन में? आगे दे दिया राष्ट्रभाषा। कि राष्ट्रभाषा क्या होती है? कि जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकतर निवासी करते हैं, कौन करते हैं? जो देश के अधिकतर निवासी है वो करते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे भारत है, भारत में कौन सी भाषा है? हिंदी। ये क्या है? उसकी राष्ट्रभाषा है। और जैसे अमेरिका लगा लो, अमेरिका में कौन सी भाषा है जो उसकी राष्ट्रभाषा है? वो है अंग्रेजी। जो राष्ट्रभाषा है हमारी हिंदी, उसको हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, कौन सा अनुच्छेद? 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को इसको राष्ट्रभाषा का किसका क्या मिला था? दर्जा मिला था, जो हमारी हिंदी भाषा है, ठीक है। इसलिए जो हर साल जो 14 सितंबर आता है उसको हम इसके रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है राजभाषा। तो राजभाषा क्या है? कि जो भाषा देश के कार्यालयों, राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाती है वो हमारी क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। जैसे जो भारत की जो राजभाषा है वो कौन कौन सी है? हिंदी और अंग्रेजी है। कौन सी है? हिंदी और अंग्रेजी। हाँ सब में। आगे है जैसे बोली। क्या है? बोली। तो बोली क्या होती है? कि जो भाषा के जो क्षेत्रीय रूप है, जो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है वो क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। कौन सा? भाषा का क्षेत्रीय रूप, ठीक है, भाषा का क्षेत्रीय रूप है वो क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। आए समझ में? तो हर क्षेत्र की जो बोली है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। इसका क्षेत्र है क्या है? वो सीमित होता है। किसका? जो बोली है उसका क्षेत्र है वो सीमित होता है। इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता, और इसका जो साहित्य वो लिखित नहीं होता। इसकी जो प्राय जो लोकगीत है, लोक कथाएं हैं, ठीक है, उनमें क्या आता है? इनका अधिक महत्व होता है। किसका? बोली का। आगे दे दिया जैसे जो भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं जिनको हमारे संविधान में दर्जा मिला है? कितनी भाषाएं हैं जिनको संविधान में दर्जा मिला हुआ है? 22 भाषाएं। 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान में दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। तो उनमें कौन कौन सी है? हिंदी हो गई, हिंदी, संस्कृत,
बंगाली, असमिया, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, मैथिली, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, नेपाली, उर्दू, बोडो, डोंगरी, तेलुगु, तमिल, सिंधी और संथाली, पंजाबी और ओडिया। इसके अतिरिक्त ये भाषाएं क्या हैं जो जिनको संविधान में क्या है दर्जा मिला हुआ है। कुल मिलाकर ये भाषाएं कितनी हो जाएंगी? 22 भाषाएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 22 भाषाएं। ठीक है, आगे जैसे लिपि है, लिपि क्या होता है? भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को, लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, तो कुछ भाषाएं हैं जैसे हिंदी हो गई, इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है, अंग्रेजी है, इसकी क्या हो जाएगी लिपि? रोमन है। उर्दू है, इसकी क्या हो जाएगी? फारसी हो जाएगी। ऐसा में पंजाबी है, उसकी क्या हो जाएगी? गुरुमुखी हो जाएगी। पंजाबी है, उसकी क्या है? गुरुमुखी। ठीक है, बंगाली है, उसकी क्या हो जाएगी? बांग्ला। और जो मराठी है, उसकी क्या है? देवनागरी है। और नेपाली है, उसकी भी क्या है? देवनागरी है। जर्मन है, उसकी क्या है? रोमन है। ठीक है ना, तो ये जो भाषाएं हैं, इनकी जो लिपि है वो कौन सी है? ये जो हमने बताई, ये सब क्या है? इनकी लिपि है। आज समझ आया था? इसके अंदर एक तरीके से लिपि है, हमने बताया कि भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं कि जो साहित्य है वो कितने प्रकार का आता है और क्या होता है, जो हमारी जो बुक है उसमें हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो जो अलग जो भाषाएं हैं उनमें सभी में क्या होता है, जो ज्ञान है उनके अलग अलग विषयों का क्या होता है? भंडार होता है। तो वो जो भंडार है वो क्या होता है कि संचित होता है। ठीक है, तो ज्ञान के संचित कोष को, इसको जो ज्ञान है उसके संचित कोष को क्या कहते हैं? हम साहित्य कहते हैं, ज्ञान के संचित कोष। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? साहित्य कहते हैं। साहित्य कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। कौन से? गद्य और दूसरा पद्य। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जिन विचारों को साधारण रूप में हम क्या कहते हैं? लिखते हैं। जिन विचारों को इसमें लिखते हैं साधारण रूप में, तो वो क्या कहलाएगा? गद्य साहित्य कहलाएगा, यानी वो गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जैसे कहानी, जीवनी, उपन्यास और नाटक पत्र आदि क्या आते हैं? आते हैं किसके अंतर्गत? गद्य साहित्य के अंतर्गत, जो इसमें हमें पढ़ते हैं। और जो पद्य साहित्य होता है उसमें क्या होता है, विचारक जो काव्यशैली है इनको क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। वो किसके अंतर्गत आते हैं? पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कविता होगी, गीत हो गए, पद हो गए, दोहा हो गए, छंद, चौपाई आदि इसके अंतर्गत आते हैं, पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। आगे है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे भी कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के है, भाषा के शुद्ध रूप का क्या करवाए? ज्ञान करवाए। शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है, व्याकरण के कितने भाग हैं? चार भाग हैं। कितने भाग हैं? चार।
कौन कौन से? वर्ण विचार। इसमें क्या होता है वर्ण विचार में, कि इसमें जो वर्ण है उनके आकार, भेद, उच्चारण आदि के बारे में क्या करते हैं, हमें पढ़ते हैं, यानी उनके बारे में इसमें बताया जाता है। ठीक है, तो वर्ण कौन कौन से होते हैं, जैसे क, ख, ग, ठीक है, ये क्या है, वर्ण है। आगे समझे, दूसरा कौन सा है, शब्द विचार। कौन सा? शब्द विचार। ठीक है, तो शब्द विचार क्या होता है, कि जो वर्णों का सार्थक समूह होता है उसे हम क्या कहेंगे, शब्द विचार कहेंगे। जैसे ये वर्ण है, ये मिलकर जैसे कोई एक शब्द बनाए, वो क्या कहलाएंगे, शब्द कहलाएंगे। जैसे ये क्या हो जाएगा, कमल, ये शब्द बन गया। तो इसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है, कि इसमें शब्दों के भेद, रूप, व्युत्पत्ति आदि का क्या किया जाता है, इसमें वर्णन किया जाता है। ठीक है, तीसरा कौन सा है, पद विचार। इसमें जो पद है तथा उसके भेद है उनका क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। ठीक है, और चौथा कौन सा है, वाक्य विचार। वाक्य विचार, ठीक है, तो वाक्य विचार में क्या होता है, कि जो शब्दों का सार्थक समूह होता है वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। इसमें वाक्यों के भेद, वाक्य बनाने और अलग करने की जो विधि है और जो विराम चिन्ह है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे वाक्य लगा लो कि वह खाना खाता है, खाता है, तो ये शब्द हो गई और इनका एक क्रम हो गया, तो ये क्या हो गया, यानी जो वाक्य जो शब्द है उनका क्रमबद्ध समूह हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है।